सत्यजीत रे की इस फिल्म का बजट 6.5 लाख था, फिर भी निर्माता पीछे हट गया। महान फिल्मकार सत्यजीत रे के दादा उपेंद्र किशोर राय चौधरी की मूल कहानी पर 50 साल पहले बनी बांग्ला फिल्म गोपीगाइन बाघाबाइन ने इतिहास रच दिया था, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि इस फिल्म के बनते वक्त निर्माता अधिक बजट के कारण बीच में ही फिल्म छोड़ गए थे। इस फिल्म के 50 साल पूरे होने के मौके पर आने वाली 1 मार्च को इसी फिल्म का एनिमेटेड वर्जन गोपी गवैया बागा बजैया 3D के साथ रिलीज की जा रही है। इस फिल्म का निर्देशन शिल्पा रानाडे ने किया है। इस बारे में सत्यजीत रे के बेटे संदीप रे ने एक इंटरव्यू में उस फिल्म के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ग्रेट ग्रैंडफादर ने 1912 में बाल पत्रिका संदेश की शुरुआत की थी। उसी में गोपीगाइन बाघाबाइन कहानी लिखी गई थी। पिता सत्यजीत रे उससे बहुत प्रभावित हुए थे। बाद में संदेश बंद हो रही और फिर 1961 में जब इसे फिर से शुरू किया गया तब ये कहानी फिर से छपी थी। संदीप रे ने बताया कि तब मैंने पिताजी से कहा था कि हमारे लिए कुछ कीजिए और उन्होंने कहा एक दिन कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। संदीप के मुताबिक 1969 में जब ये फिल्म रिलीज हुई तब मैं सिर्फ 13 या 14 साल का था। पहले फिल्म शूट होना शुरू हुई फिर गाने बने। ये फिल्म तब 6.5 लाख रुपए के बजट में बनी थी, लेकिन उसी दौरान भारी बजट का हवाला देकर निर्माता ने फिल्म बीच में ही छोड़ दी थी। मेरे पिता तब बहुत ही दुखी हुए थे, लेकिन बाद में पूर्णिमा दत्त ने इस फिल्म को पूरा करवाया। ये उस समय की बिगेस्ट हिट थी और 8 महीने तक चली। वो कॉन्सेप्ट ही बड़ा यूनिक था, इसलिए आज भी लोग उस फिल्म से रिलेट करते हैं। गोपी गवैया बागा बजैया नाम की अब रिलीज होने वाली एनिमेशन फिल्म कई सारे फेस्टिवल के लिए भारत और विदेश में नामित हो चुकी है। इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर गीतकार गुलजार भी उपस्थित थे, जो कि इस फिल्म का समर्थन करते नजर आए। गौरतलब है कि सत्यजीत रे ने इसके पहले भारत की कई प्रसिद्ध फिल्मों का निर्माण किया और भारतीय सिनेमा को विश्व पटल पर लेकर जाने में उनकी अहम भूमिका रही है। आज भी सत्यजीत रे के नाम का सिनेमा विख्यात है, जो कि लोग उनके प्रकार के सिनेमा बनाने का प्रयत्न बॉलीवुड में या अन्य फिल्म इंडस्ट्री में प्रयोग करते रहते हैं। यह फिल्म 2 भूमिकाओं पर आधारित है, जिन्हें एनिमेटेड किया गया है।